हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मिशाल बीबी जो है वो इस टाइम खेल रही है टॉयज़ से, और इसकी आप लोग जदोजहद देख सकते हैं। कब से खेल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं जो है ये प्यारा सा जो है व्लॉग बना लूँ, छोटा सा जो शॉर्ट है इसका वो मैं ऐड कर लूँगी अपने व्लॉग में। तो इस टाइम जो था वो मैंने मोबाइल का कैमरा जो था वो बिल्कुल ऑन कर लिया था, क्योंकि माशाल्लाह मुझे इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था और ये खेलती हुई भी माशाल्लाह बहुत क्यूट और बहुत अच्छी लग रही थी विशाल मुझे। तो बार बार ये मतलब अपने उससे तरीके से एक्टिविटी कर रही थी। वो जो एग था इसका मैं लेकर आई थी तो उसमें से इसकी बॉल वगैरह निकली थी, तो इसको ये था कि बार बार ये जो थी वो उसको ज्वाइन कर रही थी और फिर उसको ब्लॉक से अलग कर रही थी। और विशाल के बाबा जो हैं वो इस टाइम चला रहे हैं मोबाइल, और तकरीबन जो आज वो ऑफिस से विशाल के बाबा जल्दी आ चुके थे 6 बजे। तो फिर मैंने भी मिशाल को ड्राइज वगैरह दे के बैठा दिया, और अभी जो था मेरा इरादा था मेरी बहन के घर जाने का। एक्चुअली उसकी बर्थडे थी तो मैंने उसके लिए जो बास्केट वगैरह बनाई थी आप लोगों ने पहले शॉर्ट देख ली होंगे, और जिसने नहीं देखा उससे यही रिक्वेस्ट है जाके मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखिए, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो शॉर्ट्स में जो मैंने बड़ी खूबसूरत सी उसके लिए बास्केट बनाई है, तो मैंने उसको वो गिफ्ट वगैरह देने जाना था। तो मैंने उसको बोला था भाई मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ शाम की चाय पर, तो चाय भी बना के रखो और खाना भी बना के रखो। तो मिशाल को भी मैं रेडी करूँगी और फिर मैं पहुँचूँगी आप ही के घर। तो इस टाइम मैंने खुद भी रेडी होना था, तो मैंने मिशाल को थोड़े से टॉयज़ वगैरह देकर बिठा दिया था ताकि ये टॉयज़ से खेलती रहे, क्योंकि मुझे भी अक्सर तैयार वगैरह होना होता है। तो इस ये जो है ये बराबर का मेरे मेकअप में घुसती होती है तो मुझे इससे होती है चिड़। तो फिर मैं इसको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ देकर बिठा देती हूँ ताकि उसमें लगी रहे और मैं अपना जल्दी से रेडी हो जाऊँ। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने सिस्टर के घर, और सिस्टर ने चाय जो है वो दे दी। एक रिवायती होती है ना, किसी के घर भी जाता तो कोई भी ये बंदा जो है वो फ़ौरन आपको चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक मिलती है। तो मैंने बोला नहीं यार मुझे चाय पीनी है, क्योंकि शाम में मैं अक्सर चाय पीती हूँ तो मैंने बोला था भाई चाय ज़रूर तैयार रखना और ये बिस्किट। और हम लोग जो है पंजाबी हैं तो हम लोग फ़िलहाल इस तरह के प्यालियों में चाय पीते हैं, कप में भी पीने वाले पीते हैं, मगर हमें शुरू से हमारी मम्मा ने बचपन में यही आदत लगवाई थी तो हम प्यालियों में ही चाय पीते हैं। और इस टाइम मेरी बहन ने जो है वो सैंडविचेस रेडी कर लिए थे और ये बहुत ही यम्मी सैंडविचेस ने बनाए थे जी। तो मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा यम्मी सैंडविचेस बनाए थे जी। हम लोग अक्सर जाते हैं टीपू के, वहाँ पर इसी तरह का सैंडविच होता है, मतलब उसमें चिकन होती है और इस तरह अंडा बना हुआ होता है, खीरा होता है, प्याज होता है। इसी तरह मेरी सिस्टर ने बिल्कुल उसी की कॉपी करके और सेम एज इट इज़ वैसे ही बनाया, बहुत यम्मी बने जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने रात में कुछ सोचा कि चलो बच्चों को स्टोर ले जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी। तो इस टाइम हम लोग जो है वो बच्चों को लेकर आ गए हैं स्टोर्स, और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, मिशाल के लिए कपकेक वगैरह लेना था, और हम लोगों ने जो थे वो आलू प्याज वगैरह भी लेने थे, क्योंकि इस स्टोर से अमीज़ या अमीज़ है वो उसकी सही तरह मुझे मीनिंग नहीं पता। तो फिलहाल इसी तरह का स्टोर है, ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है, क्लिफ्टन 2 तलवार पर है ये, सॉरी 3 तलवार पर याद आया जी। हम लोग गए थे 3 तलवार पे। तो इधर फिर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी, और केक लिया था मैंने मिशी के लिए, जेली ली थी। और बाकी इधर एक दिन ऐसा होता है कि इधर एक दिन सेल लगती है जैसे प्याज वगैरह पे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, तो उस दिन स्टोर में बहुत रश वगैरह होता है। एक दिन से प्याज पर लग जाती है तो नेक्स्ट वीक जो होता है वो आलू पर लग जाती है, टमाटर पर लग जाती है। तो इस तरह ये सेल लगती है तो काफ़ी अच्छी होती है, तो इस टाइम प्याज पर लगी हुई थी और प्याज मार्केट में बाहर बहुत महंगा था जी। फिर एक दिन हम ये दावत थी अगले दिन, तो मैंने पूरा व्लॉग तो मुझे नहीं मिला कि मैं पूरा व्लॉग जो है वो नोट कर सकूं, तो बट मैंने एक छोटा सा जो लिया था शॉर्ट वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मम्मी के घर पे दावत में सब आए हुए थे, हानिया भी बहुत अच्छा तैयार हुई हुई थी, जैनू बाबा भी माशाल्लाह, जैनू बाबा अच्छे लग रहे हैं बट जैनू बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, और मानी भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, सभी अच्छे लग रहे हैं। जैन की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई हुई है, तो आप लोग सब भी दुआ कीजिए कि जैन बच्चा बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि अक्सर ही बीमार रहता है। और मीशो और फातिमा की तो इधर मोहब्बत जो है वो निराली हो रही है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ईद के अभी ये लोग गले मिल रहे हैं। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और व्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।